बॉलीवुड अदाकारा युविका चौधरी नू हाई कोर्ट तो अंतरिम जमानत मिल गई है। दस दी कि इस तों पहला हांसी पुलिस ने युविका नू गिरफ्तार करके उस कोलों 3 घंटे तक पूछ पड़ताल की थी। बॉलीवुड अदाकारा युविका चौधरी जिसनों की हुण जमानत मिल गई है, इस तों पहला पुलिस ने युविका नू गिरफ्तार करके उस कोलों 3 घंटे पूछ पड़ताल की थी। दस दी कि दलितां दे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करन दे मामले विच युविका चौधरी नू गिरफ्तार किया गया सी। दलित अधिकार वर्कर रजत कलसन ने थाना शहर हांसी विच युविका चौधरी दे खिलाफ फिर मामला दर्ज कराया सी। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने तो बाद युविका चौधरी को पुलिस जांच में सहयोग करने का हुक्म भी दिया है। युविका चौधरी ने 25 मई को एक अपने ब्लॉग पे वीडियो वायरल किया था और उस वीडियो में उसने पूरे एससी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। उस बारे में मैंने एक 28 मई को FIR रजिस्टर कराई थी हांसी के पुलिस स्टेशन सिटी में, और उस मामले में आप कुछ दिनों पहले युविका चौधरी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अप्रोच किया था अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR को क्वेश कराने के लिए, और जिस दिन उसकी पहली हियरिंग थी हम लोग भी उसमें अपीयर हुए थे और युविका चौधरी ने हाई कोर्ट से रिलीफ मांगा था कि उसके खिलाफ पुलिस कोरेसिव एक्शन ना ले, उसको अरेस्ट ना करे और इन्वेस्टिगेशन पर भी स्टे किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे इस तरह का कोई भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। टेरिम बेल पे है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली और हमें हमारी तरफ से हमने जो पूरा कोऑपरेट किया है, नेक्स्ट जो भी आगे आदेश हाई कोर्ट के आएंगे वो हम सब फॉलो करेंगे। हाँ, युविका चौधरी के खिलाफ हमारे पास एक FIR दर्ज है 321 नंबर, ये हमारे श्री रजत कंसल एडवोकेट हैं उनके द्वारा करवाई गई है CST एक्ट में। इन्वेस्टिगेशन चली है तो क्या निकल के आया? अभी तो उसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं, जो उनसे फ़ोन है, फ़ोन रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा, उसमें साइबर सेल की टीम हमारी साथ थी तो जो भी हमने क्वेश्चन आंसर करने थे वो 30 हमारी थी।